Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Zahra Noreen, course instructor of Plant Physiology 1, BOTN 3119. Today we will discuss the role and composition of antenna system, which is the last part of our topic, organization of the photosynthetic apparatus. The antenna funnels energy to the reaction center. How does it occur? The sequence of the pigments within the antenna that funnels absorbed energy toward the reaction center has absorption maxima that are progressively shifted toward the longer red wavelengths. ये ऐसे ही है क्योंकि एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी शिफ्ट करेगा तो ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी 100% एनर्जी एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के में शिफ्ट हो जाएगी. वैसे तो मैंने आपको बताया है कि 95 to 99% जो है मतलब बहुत ही एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, लेकिन इवन देन कुछ ना कुछ एनर्जी का जो पार्ट है वो लॉस्ट हो जाता है. दैट इज व्हाई जो एनर्जी मॉलिक्यूल दे रहा है और जो जो एनर्जी दूसरा मॉलिक्यूल रिसीव कर रहा है, उन दोनों की जो वेव लेंथ है वो एक जैसी नहीं होगी. डेफिनेटली जो रिसीव करने वाला मॉलिक्यूल है उसके पास जो एनर्जी आ रही है उसका जो नैनोमीटर है वो लॉन्गर होता चला जाएगा, और जो देने वाला है उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी और जो लेने वाला है उसके पास एनर्जी कम होगी. दैट इज वाई दिस रेड शिफ्ट इन अब्सॉर्प्शन मैक्सिमम मीन्स दैट द एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट इट्स समवट लोअर nearer the reaction center than in the molecule in the more in the peripheral portion of the antenna system. As a result of this arrangement, when excitation is transferred, means jab molecules energy ko lete hain, jo bilkul shuru mein le rahe hain, unki energy sabse zyada hogi, aur aahista aahista jab wo ek se dusre, dusre se teesre, teesre se chauthe aur finally reaction center tak jo energy इस प्रोसेस के थ्रू होते हुए गुजरेगी वो एनर्जी कम होगी एज कम्पेयर टू दैट एनर्जी जो कि शुरू में मॉलिक्यूल्स ने एंटीना कॉम्प्लेक्स के कंपोनेंट्स ने अब्सॉर्ब की होगी. सो इसी की एक्सप्लेनेशन है कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अरेंजमेंट द एक्साइटेशन इज ट्रांसफर्ड एंड फ्रॉम अ क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल को अगर हम कंसिडर करते हैं तो अब्सॉर्बिंग अ मैक्सिमली एट 650 नैनोमीटर की एनर्जी अगर वो अब्सॉर्ब करता है और उसके बाद उसको क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल में उसको ट्रांसफर करता है तो वो फिर 650 नैनोमीटर की एनर्जी नहीं रहेगी जो कि नेक्स्ट क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को मिल रही है, वो 670 नैनोमीटर की. मतलब देयर इज अ शिफ्ट इन द नैनोमीटर और यू कैन से मोर टुवर्ड द रेड रीजन फ्रॉम द हाई एनर्जी स्पेक्ट्रम टू द रेड रीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. सो दिस डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन दीज टू एक्साइटेड क्लोरोफिल्स इज लॉस्ट टू द एनवायरमेंट एज heat. For the excitation to be transferred back to the chlorophyll molecule B molecule, the energy lost as heat would have to be resupplied. और ऐसा तो होगा नहीं कि chlorophyll B से एक दफा energy जो है वो chlorophyll A को मिल गई है और अब अगर ये होना चाहे कि chlorophyll A वापस उस energy को chlorophyll B को दे दे तो definitely उसको वो energy lost जो है उसको cover करना पड़ेगा और वो एनर्जी एक्स्ट्रा जो लॉस्ट हो चुकी है इन द फॉर्म ऑफ हीट वो रीसप्लाई करनी पड़ेगी और वो पॉसिबल नहीं है. एंड दैट इज व्हाई रिएक्शन सेंटर में एनर्जी नेक्स्ट ही मूव करती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करती. द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवर्स ट्रांसफर इज देयरफॉर स्मॉलर सिंपली बिकॉज थर्मल एनर्जी इज नॉट सफिशियंट टू मेक अप द डेफिशिट बिटवीन द लोअर एनर्जी एंड द हायर एनर्जी पिगमेंट्स एंड दिस इफेक्ट गिव्स द एनर्जी ट्रैपिंग प्रोसेस अ डिग्री ऑफ डायरेक्शनैलिटी और इररिवर्सिबिलिटी एंड मेक्स द डिलीवरी ऑफ द एक्साइटेशन टू द रिएक्शन सेंटर मोर एफिशियंट. इन अ सेंस द सिस्टम सेक्रीफाइसेस सम एनर्जी from each quantum so that nearly all of the quanta can be trapped by the reaction center. ek aur bahut hi crucial aur important role jo antenna complex ka hota hai, that is to serve as a safety valve for the thermal dissipation of the excess absorbed light energy. agar zyada energy ka exposure ho jaye plant ko to ye jo antenna molecules hain, antenna pigments hain, antenna system ke jo hissa hain, ye phir energy ko dissipate karne wale वेल्व के तौर पे या सेफ्टी वेल्व्स के तौर पे भी काम करते हैं. वैसे भी कर रहे होते हैं लेकिन उस टाइम पे इनका जो रोल है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है.
ऑल ऑफ द डिस्कशंस वी दैट आई हैव मेड इन द प्रीवियस स्लाइड्स, उसकी ये आप कह लें कि एक किस्म की समरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं द एक्साइटेड स्टेट एनर्जी पिगमेंट्स इंक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम, ये लाइट का सोर्स है, और जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स इसमें पहले कैरोटीनॉइड्स में एनर्जी आएगी, फिर क्लोरोफिल बी में आएगी, फिर क्लोरोफिल ए में से ट्रांसफर होगी रेजोनेंस के थ्रू, और जैसे जैसे एनर्जी सोर्स से आगे बढ़ती जाएगी तो उसकी जो आप कह लेंगे जो एनर्जी का लेवल है वो कम होता चला जाएगा। एंड और जो पिगमेंट्स क्लोजर होंगे रिएक्शन सेंटर से, जैसे क्लोरोफिल ए जो है वो रिएक्शन सेंटर से टाइम क्लोजर है तो इसकी एनर्जी लोअर होगी, और जो पिगमेंट रिएक्शन सेंटर से फार्थेस्ट होंगे यानी कि जो दूर होंगे उससे, उनकी एनर्जी ज्यादा है क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है उन फोटॉन्स के जिनको वो ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जब तक रिएक्शन सेंटर में एनर्जी पहुंचेगी तो वो उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होगी कि जितनी उन्होंने अब्जॉर्ब की थी। एक और चीज जो मैंने आपको बताई थी कि जो एंटीना सिस्टम है ये रेजोनेंस के जरिए एनर्जी को एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, और ये भी आपको बताया था कि ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर सम ऑफ द पार्ट ऑफ द एनर्जी लॉस्ट एज हीट, एंड दैट इज वाई जो रिवर्स रिवर्स डायरेक्शन में एनर्जी का मूव करना है दैट इज नॉट पॉसिबल। इन दिस डायग्राम दिस द प्रोसेस दैट सम ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट टू द एनवायरमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर इज शोन अंडर ऑप्टिमल कंडीशन, ऑल दो ऑलमोस्ट ऑल द एक्साइटेशंस अब्सॉर्ब्ड इन द एंटीना कॉम्प्लेक्सेस इज डिलीवर्ड टू द रिएक्शन सेंटर, एंड फाइनली दिस एनर्जी विल बी अवेलेबल फॉर स्टोरेज, बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर सम ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट पार्ट ऑफ द एंटीना कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जिसमें फोटोसिंथेटिक मशीनरी के एंटीना कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो प्रोटीन किस तरह की होती हैं। तो पहले हमारे पास है नंबर पे जो बल्क ऑफ क्लोरोफिल फोटो सिस्टम में फंक्शन करता है एज एंटीना क्लोरोफिल, ये एसोसिएट करती है विद स्पेसिफिक प्रोटीन्स टू फॉर्म अ नंबर ऑफ डिफरेंट क्लोरोफिल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, और इनको हम सीपी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। टाइटली एसोसिएटेड विद द रिएक्शन सेंटर P680 एंड P700 आर कोर एंटीना कॉम्प्लेक्सेस। इन केस ऑफ PS2 देर आर टू क्लोरोफिल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, एक हम को कहते हैं CP47 एंड CP43। जब मैंने आपको फोटो सिस्टम टू की स्कीमेटिक डायग्राम दिखाई थी तो वहां पे मैंने इसको आपको शो करवाया था कि यहाँ पे ये मौजूद है। इसी तरीके से PS1 के अंदर क्लोरोफिल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1 मौजूद होता है। क्लोरोफिल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ PS2 की अगर हम जिक्र करें तो उसके अंदर 20 to 25 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्लोरोफिल ए के पाए जाते हैं। द कोर एंटीना क्लोरोफिल ए अब्सॉर्ब लाइट बट दिस डज डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एंटीना कॉम्प्लेक्स का मकसद जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन करवाना नहीं है बल्कि लाइट को अब्सॉर्ब करके और आगे रिएक्शन सेंटर को डिलीवर करना है। However, the protein bound antenna chlorophylls lie very close together such that the excitation energy can easily pass between adjacent pigment molecules by inductive resonance, or you can say the radiation less energy transfer, and the energy of the absorbed photon thus migrate through the antenna complex passing from one chlorophyll molecule to another until it eventually arrived at the reaction center. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ द प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, जितने भी हमारे यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर देखा गया है कि अगर उनमें क्लोरोफिल ए और बी मौजूद है तो सबसे ज्यादा जो अबंडेंट एंटीना प्रोटीन्स हैं दोज प्रोटीन्स आर मेंबर्स ऑफ अ लार्ज फैमिली ऑफ स्ट्रक्चरली रिलेटेड प्रोटीन्स, एंड सम ऑफ दीज प्रोटीन्स आर एसोसिएटेड प्राइमेरली विद फोटो सिस्टम टू एंड आर कॉल्ड एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स टू प्रोटीन्स। इसी तरीके से वो प्रोटीन्स जो कि फोटो सिस्टम वन के साथ अटैच हैं उनको कहा जाता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वन प्रोटीन, और दीज एंटीना कॉम्प्लेक्सेस आर आल्सो नोन एज क्लोरोफिल ए बी एंटीना प्रोटीन्स। लाइट अब्सॉर्ब बाय कैरोटीनॉइड्स एंड क्लोरोफिल बी इन दीज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स इज रैपिडली ट्रांसफर टू द क्लोरोफिल ए and then to other antenna pigments that are intimately associated with these with the reaction center. The light harvesting complex 2 को देखा गया है कि ये regulatory processes में भी involved है।
स्ट्रक्चर ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वन एंड कॉम्प्लेक्स टू। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वन एंड टू टुगेदर कंटेन्स एज मच एज 70% ऑफ द टोटल क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स एंड इंक्लूडिंग वर्चुअली ऑल ऑफ द क्लोरोफिल बी। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वन इज रिलेटिवली स्मॉल एंड हैज द क्लोरोफिल ए टू बी रेशियो ऑफ अबाउट 4:1 एंड अपीयर्स रादर टाइटली बाउंड टू द कोर फोटोसिस्टम। लाइट हार्वेस्टिंग टू कॉम्प्लेक्स टू ऑन द अदर हैंड कंटेन्स 50 to 60% ऑफ द टोटल क्लोरोफिल एंड विद द क्लोरोफिल ए बी रेशियो ऑफ अबाउट 1:2, मोस्ट ऑफ इट इज क्लोरोफिल बी। लाइट हार्वेस्टिंग टू कॉम्प्लेक्स ऑल्सो कंटेन मोस्ट ऑफ द जेंथोफिल एंड द फंक्शन ऑफ द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेज एंड द कोर एंटीना सीपीज आर टू अब्सॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर दिस एनर्जी टू द रिएक्शन सेंटर। द स्ट्रक्चर ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वन प्रोटीन जो है वो बहुत ज्यादा जो है उसको एक्सप्लेन अभी हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है बट देखा गया है कि दिस मे बी सिमिलरली टू द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स टू प्रोटीन एंड ऑल ऑफ दीज प्रोटीन्स हैव सिग्निफिकेंट सीक्वेंस सिमिलैरिटी एंड आर ऑलमोस्ट सर्टनली डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन इंसेस्टर प्रोटीन। दोनों को देखा गया है कि इनके जो इंसेस्टर्स हैं वो सेम ही हैं। जब इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी स्टडी की गई है तो सेम इंसेस्टर से डिराइव हुए हुए प्रोटीन्स ये हमें नजर आती हैं। इम्पोर्टेंस इनकी क्या है? एज द नेम इम्प्लाइज इनका काम है लाइट को हार्वेस्ट करना और फिर इसको जो एंटीना सिस्टम है उसके फंक्शन को एक्सटेंड करना और एडिशनल लाइट को जो है रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाना। अगर ये मौजूद ना होती व्हाट हैपेंड कि अगर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस जो है वो मौजूद ना होते और रिएक्शन सेंटर अलोन ही जो है वो काम कर रहे होते तो द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ एसोसिएटिंग अ सिंगल रिएक्शन सेंटर विद अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग एंड कोर एंटीना क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स इज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी इन कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द लाइट एनर्जी। इवन इन ब्राइट सनलाइट हम देखते हैं कि अगर इंडिविजुअल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ही अकेला मौजूद हो और वो ही फोटॉन को अब्सॉर्ब करे तो फ्यू टाइम्स एवरी एवरी सेकंड में फ्यू टाइम्स ही वो फोटॉन्स को जो है वो अब्सॉर्ब करेगा। सिंस इवेंट्स एट द रिएक्शन सेंटर अकर्स विद इन द माइक्रोसेकंड्स टाइम स्केल एनी रिएक्शन सेंटर दैट डिपेंड्स ऑन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल फॉर इट्स लाइट एनर्जी वुड नो डाउट लाई आइडल मच ऑफ द टाइम, क्योंकि वो सिर्फ क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पे ही डिपेंड कर रहा होगा कि वो एनर्जी फोटोन को अब्सॉर्ब करें एंड देन फिर उसकी वजह से रिएक्शन सेंटर में फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है वो टेक्स प्लेस हो सके। और दस द एडवांटेज ऑफ द फोटो सिस्टम इज दैट वाइल द रिएक्शन सेंटर इज बिजी प्रोसेसिंग वन फोटोन अदर फोटोन आर बींग इंटरसेप्टेड बाय द एंटीना मॉलिक्यूल्स एंड फाइनल टू द रिएक्शन सेंटर। और इसी की वजह से कॉन्टिन्यूस सप्लाई जो है रिएक्शन सेंटर को वो लाइट की रहती है। अगर एक ही मॉलिक्यूल काम कर रहा होता तो जैसे ही उसकी एनर्जी रिएक्शन सेंटर इस्तेमाल कर लेता उसके बाद उसने फारिग बैठ जाना था रिएक्शन सेंटर ने, लेकिन अब क्योंकि एंटीना कॉम्प्लेक्सेस भी मौजूद हैं तो जब तक एक एक आप कहने की अब्जॉर्ब की हुई फोटोन की एनर्जी को रिएक्शन सेंटर यूटिलाइज कर रहा होता है फॉर द फोटोकेमिकल इवेंट्स, इसी दौरान में एंटीना कॉम्प्लेक्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो और एडिशनल एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। और जब तक पहला फोटोन की एनर्जी यूटिलाइज होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोकेमिकल इवेंट्स उतनी देर में दूसरी एनर्जी की सप्लाई जो है उस तक पहुंच जाती है। और इसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली रिएक्शन सेंटर को जो है एफिशिएंटली एनर्जी जो है वो सप्लाई रहती है। सो द एफिशिएंसी ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर थ्रू द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड द कोर एंटीना कॉम्प्लेक्सेस टू द रिएक्शन सेंटर इज वेरी हाई। और देखा गया है कि सिर्फ 10% जो एनर्जी का है वो ही लॉस्ट होता है एज हीट और बाकी की 90% अबाउट 90% जो है वो तो श्योरली रिएक्शन सेंटर को मिल जाती है एनर्जी। Thus, it is important to appreciate that light harvesting complexes 1 and 2 are not necessarily absolute requirement for the photosynthetic electron transport under light saturated conditions, that is under conditions when light is not limiting. Rather, the light harvesting complexes enhance the photosynthetic efficiency under low light, and that is under conditions where light limits the photosynthesis. In fact, photosynthetic organisms modulate the structure and function of the light harvesting complexes in response to changes in the irradiance. Here is the two-dimensional view of the structure of light harvesting complex 2. As I told you, light harvesting complex 1 के बारे में बहुत ज़्यादा information नहीं है, लेकिन light harvesting complex 2 जो है
हायर प्लांट से उसको माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन क्रिस्टेलोग्राफी के जरिए और एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी के जरिए जो है वो इसकी स्कीमेटिक डायग्राम जो है वो दिखाई गई है। और इसकी आप अंदर देख सकते हैं कि दैट द एंटीना कॉम्प्लेक्स इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन पिगमेंट प्रोटीन एंड विथ थ्री हेलिकल रीजन्स, 1, 2, and 3 हेलिकल रीजन्स दैट क्रॉस द नॉन पॉलर पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन, द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, एंड अप्रोक्सीमेटली 15 क्लोरोफिल ए एंड बी मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद दिस कॉम्प्लेक्स, जो कि यहाँ पे क्लोरोफिल ए और बी मॉलिक्यूल्स के ये डार्क कलर में जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है और लाइट कलर में क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल्स इनको शो किया गया है। तो दीज आर अबाउट 15 मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके साथ एसोसिएटेड होते हैं, और एज वेल एज इनके साथ बहुत सारे कैरोटीनाइड्स भी एसोसिएटेड होते हैं। द पोजीशन ऑफ द सेवरल ऑफ द क्लोरोफिल्स आर शोन एंड टू ऑफ द कैरोटीनाइड्स फॉर्म एन एक्स इन द मिडल ऑफ द यू कैन से द प्रोटीन मिडल ऑफ द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एंड इन द मेम्ब्रेन द कॉम्प्लेक्स इज ट्राइमेरिक एंड एग्रीगेटेड अराउंड द पेरिफ्री ऑफ द PS2 रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स। Reference books are given here to further enhance your understanding of the subject and especially the topic. Thank you very much. This is all about today's topic. If you have any question and query, as always, you can post on GCR, on WhatsApp, or you can email me.